आजमगढ़, एक गोपाल पहलवान टेवा कौशाम्बी राजेश पहलवान का पट्टा है। दिया गया समय 5 मिनट। बहुत अच्छे दोनों पहलवान, दोनों पहलवान लासानी है। देखना है किसके पुत्र में कितना पानी है। एक तरफ आजमगढ़ है तो दूसरी तरफ गणगंगा प्रयाग की सरगुणी कौशाम्बी का पहलवान युद्ध कर रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दोनों पहलवान, बहुत अच्छे। बीच में चले जाओ पेतरा काट के, दोनों समझदार पहलवान हो। एक तरफ अर्धांगिनी पहलवान है, दूसरी तरफ मैट का पहलवान है। बहुत अच्छे दोनों पहलवान, बहुत बढ़िया दोनों पहलवान, दोनों पहलवान लासानी है। जंग बहादुर योगेंद्र गोपाल, योगेंद्र गोपाल के बीच का मुकाबला चल रहा है। इस समय पूरी तरीके से गर्मी आने के बाद से शरीर फिसलता है, इस वजह से माटी लगाई जाती है। अभी तक बेहद कसमकस भरा मुकाबला चल रहा है, इसके बाद से अंशु की कुश्ती का इंतजार सब दर्शकों को है। और इस तरह से तू तो बैठ जा, आप एग्रेसिव मोड में खिलाड़ी दिख रहे हैं और मजा आ गया इस समय। लेकिन अभी भी डिफेंस के अंदाज में जोगिंदर आज ये मल्लयुद्ध यहाँ पर चल रहा है। अभी भी अपनी गिरफ्त को बनाए हुए हैं। एक तरफ अटैक हो रहा है, सामने डिफेंस हो रहा है। टाइम का ध्यान 2 मिनट बचे हुए हैं। समय शेष 2 मिनट, पहलवान 2, टाइम भी मिनट 120 सेकंड, 2 मिनट। बहुत अच्छे दोनों पहलवान, और इस तरीके से 2 मिनट का समय बचा हुआ है। अभी भी कोई तो कुश्ती फाइनल हो, पूनम के बाद भी मुकाबला बराबरी पर चल रहा है, एकदम सूखा पड़ गया है। बहुत बढ़िया दोनों पहलवान, इस समय मामला सूखा चल रहा है, कोई कुश्ती फरिया नहीं रही। भैया कमेंटेटर चलते रहो, लोहा को लोहा ही काट रहा है। बहुत अच्छे, हमारे रेफरी को भी बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, बस आराम से हो मुकाबले को बस देखते हुए। हेलो, अखाड़े में आइए, बीचों बीच एकदम से जो लड़ रहे हैं वो सरकारी मास्टर है। जब तक कुश्ती निर्णायक नहीं होती, दर्शक बिल्कुल खामोश हो गए हैं। काली जागरण में सरकारी मास्टर इस समय लड़ रहे हैं। देखिए यही होता है खेल का जुनून, आप किसी भी पेशे में हो जाए लेकिन ये जुनून आपसे कम नहीं होता। और इस तरीके से बहुत ही कम समय बचा हुआ है, रेफरी की विसिल का इंतजार रहेगा, उसके बाद से मुकाबला बराबरी पर यहाँ पर खत्म होता हुआ।